हेलो दोस्तों, आपका मेरी मम्मी के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बनाने वाला हूँ शिमला मिर्च और प्याज की सब्ज़ी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में। आपको शिमला मिर्च और प्याज को स्क्वायर शेप में काट लेना है। और मैंने यहाँ पर टमाटर, दो टमाटर लिए हैं एंड 1.5 जो है वो प्याज लिया है, वो लंबे में कट कर लिए है एंड 4 से 5 लहसुन की कलियाँ ली हैं। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई गर्म करने के लिए रखी है। इसमें करीबन मैं 3 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाल दूँगा। और अब आपको शिमला मिर्च और प्याज जो स्क्वायर शेप में काटे थे वो इसमें डाल देना है। इसमें डालने के बाद इसको फ्राई करना है। कुछ इस तरीके से मैंने डाल दिए एंड अभी इसको, इसका जो है क्रंच है ना, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए तो उतना हमें इसको पकाना है तेल में एंड देन उसको निकाल लेंगे तेल अलग करके। और दोस्तों, जो इसमें से ऑयल बचेगा उसमें हम 2-4 जो लहसुन की कलियाँ हमने काटी थी वो डाल देंगे एंड इसको हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इसमें फ्राई करना है। एंड इसके बाद जो हमने चॉप, जो हमारा अनियन था जो हमने लंबे में काटा था, वो डाल देंगे इसके ऊपर। बेसिकली जो ये मसाला हम बना रहे हैं इसको बाद में हमें ग्रेवी में कन्वर्ट करना है। सो अभी मैं इसमें थोड़ा सा, इतने बारीक भी नहीं काटे, थोड़ा मोटा मोटा ही काट रखा है अभी, तो इसमें फ्राई कर लूँगा इनको। एंड इसके बाद जैसे ये ब्राउन हो जाएगा हल्का सा, ज़्यादा वो नहीं करना है, ज़्यादा पकाना नहीं है मसाले को। और उसके बाद जो है इसमें हमारे बारीक कटे हुए जो है टमाटर वो डाल देंगे एंड इसको थोड़ा सा पका लेंगे थोड़ी देर। इसमें नमक डाल सकते हैं ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। सो फ्रेंड्स, हमने इसको 5 मिनट पका लिया एंड हमारे जो शिमला मिर्च प्याज हैं वो हमने निकाल के रखे थे, इसको मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया है निकाल के। एंड आप इसकी ग्रेवी बनाइए। आप ग्रेवी देखिए, कलर देखिए, टेक्सचर देखिए। और इधर दही ले लेंगे 2 चम्मच एंड इसको फेंट लेंगे अच्छे से, लम्स नहीं होना चाहिए उसमें। एंड थोड़ा सा ऑयल डाल के, इस बार ऑयल कम डालेंगे क्योंकि हमने उधर थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डाला था। यहाँ पर हमने 1 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी एंड 2 लौंग एंड 4 काली मिर्च रखे हैं एंड थोड़ा सा हमने इसमें रख दिया है जीरा। अभी जैसे ही आपका जीरा और मसाले तड़कने लगे, उसके बाद तेल इतना गर्म नहीं है कि मसाला जल जाए, अभी इसी में कश्मीरी मिर्च और 1/2 चम्मच करीबन हल्दी पाउडर डाल दीजिए। इस मसाले को हल्का सा पका लिया है। अभी इसमें ग्रेवी डालकर, ये मैंने थोड़ी तीखी वाली लाल मिर्च ली है और 1 चम्मच से थोड़ा कम मैंने ये डाला है एंड 2 चम्मच आप डालेंगे इसमें धनिया पाउडर और 1.5 चम्मच आप इसमें डालेंगे नमक। एंड इसको होने के बाद, 5 मिनट बाद पकने के, इसमें शिमला मिर्च एंड प्याज मिला लेंगे और 7 मिनट ढक के रखेंगे। देन आपकी सब्जी तैयार है।